भागलपुर ट्रिपल आईटी हमेशा से अपने नए आविष्कारों के चलते सुर्खियों में रहता है। रोज नए नए कृतिमान को कायम भी कर रहे हैं। इस बार ट्रिपल आईटी भागलपुर के फैकल्टी ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। दरअसल यह सॉफ्टवेयर टीबी जैसे गंभीर बीमारी की पहचान तुरंत कर देगा। आप अब आसानी से टीबी बीमारी को पहचान पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाले डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि लोग अब अपने लैपटॉप या फोन में आसानी से टीबी जैसी बीमारी को पहचान पाएंगे। दरअसल 2018 से ही इस ऐप पर काम कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया था। तभी मन में आया कि आखिर इसका लोग आसानी से क्यों नहीं पता लगा पाते हैं। वहीं एक साल में 2 लाख से अधिक केस टीबी के आते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया। अब इसको ICMR से सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। मिलते ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोग अपने से भी टीबी बीमारी का पता लगा पाएंगे। आपको बता दें कि एक्सरे के माध्यम से टीबी जैसे बीमारी का पता लगा पाएंगे। आप अपने एक्सरे की तस्वीर को जैसे ही उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपको वह पूरी रिपोर्ट दे देगा। इतना ही नहीं, इसके प्राथमिक उपचार के बारे में भी बताएगा, जिससे अब आसानी से घर बैठे इस गंभीर बीमारी के बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। सर, एक ऐप तैयार किया गया है जिससे अब लोग आसानी से टीबी की बीमारी को पहचान पाएंगे। क्या है ये? क्या है इस ऐप में? जो है, हम लोग किसी भी व्यक्ति में टीबी की पहचान कर सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है सन 2018 से, जब हमारे माननीय तब के प्रधानमंत्री और जो आज भी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली में, जिस कार्यक्रम में जो है ऐसा माना गया था कि 2025 तक हम लोग देश को टीबी मुक्त करेंगे। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी व्यक्ति का चेस्ट एक्सरे लेकर के उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टीबी की पहचान करते हैं। WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल करीब 2 लाख से ऊपर केसेस भारत में सिर्फ टीबी के पाए जाते हैं, और इससे भारत सरकार को भी काफ़ी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो वो दे रही है। बस हमारा एक पहल है और हमने इसको बनाया है। इसका ट्रायल होना अभी बचा हुआ है और मतलब आने वाले कुछ दिनों में जो है हम इसको ICMR में वैलिडेशन के लिए आगे की ओर भेजेंगे। कैसे काम करेगा ये? एक जैसा, पहले तो ये कि जैसा सरकार चाहेगी उस तरीके का ऐप बनेगा। अगर वो चाहेंगे कि ये कंप्यूटर में चले तो कंप्यूटर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाएगा। अगर वो कहेंगे कि नहीं, हमको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेस्ड चाहिए, तो एक फ़ोन में ऐप के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। आपके पास टीबी का जो है इमेज होना चाहिए, फ़ोटो, जो एक्सरे का जो फ़ोटो होता है टीबी का, और उसको आप जैसे ही उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे आपको तुरंत जो है आपके फ़ोन पे ही जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा कि आप टीबी से ग्रसित हैं कि नहीं। ये हम लोग अपने फ़ोन पे ये कोई भी शख्स भारत में गूगल प्ले में, अगर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होगा तो गूगल प्ले में जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से आप इसको जो है इंस्टॉल कर पाएंगे, और सिर्फ आपको इनपुट के तौर पर आपको अपना चेस्ट एक्सरे उस पर अपलोड करना है। कितने दिन लगा आपको ये तैयार करने? इसको तकरीबन, जैसा कि पहले आपको पता है, हम लोगों ने कोविड का सॉफ्टवेयर भी बनाया था जिसको बाद में ICMR से अप्रूवल मिला, उसके साथ ही ये चल रहा था, और ये करीब 2022 में जुलाई में जाकर के ये कंप्लीट हो गया था। कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट्स अभी भी हम लोग इसमें कर रहे हैं और आगे चाहते हैं कि इसका मान्यता इसको ICMR दे, और अगर इसमें अगर उनका कोई सुझाव होगा तो हम तैयार हैं उसको उसमें मॉडिफिकेशन के लिए। ट्रिपल आईटी लगातार इस तरीके जी ट्रिपल आईटी लगातार हर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जहां भी जिस क्षेत्र में भी इसकी ज़रूरत है हम लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर। कैसे मन में आइडिया आया था कि तैयार करना? एक्चुअली ये आया था कोरोना के टाइम पे दिमाग में, जब देश में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ था और काफ़ी लोग इससे पीड़ित थे। उसके बाद हम लोगों ने भारत के अलग अलग बीमारी का स्टडी किया कि भारत में जैसे टीबी का ही केस ले लीजिए तो करीब करीब इससे 22 से 23 प्रदेश में, मतलब जो राज्य हैं इसमें काफ़ी सारी इनकी संख्या है।
स्टडी करते करते ये पता चला कि टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दूर किया जा सकता है। तो हम लोगों ने एम्स के डॉक्टर से भी कंसल्टेशन किया इस बारे में, तो पता चला कि एक्सरे के बेसिस पे अगर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं तो कम से कम 80% हम लोग टीबी को इस देश से हटा सकते हैं, 80% केसेस को हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि ये समय से पहले ये हमको पता चल जाएगा और उस अकॉर्डिंग आप उस तरीके का इलाज करा सकते हैं। जी कहीं भी गांव में अगर आपके पास अगर फ़ोन भी है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, महज आप अपना एक्सरे उस पर अपलोड कर दीजिए और आपको तुरंत विद इन अ सेकेंड आपको जो है उसका रिपोर्ट आपके फ़ोन पे प्राप्त हो जाएगा। मैं डॉक्टर संदीप राज, सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग, IIIT भागलपुर।